हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन गेट 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। आपने डिटरमाइन करना है मिनिमम फ्रेम साइज इन बाइट्स टू अचीव लिंक यूटिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट 50%। अगर आप चाहते हो कि एटलीस्ट 50% लिंक यूटिलाइजेशन हो तो कम से कम फ्रेम साइज कितना होना चाहिए। लिंक यूटिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट 50% का मतलब हुआ एफिशिएंसी कम से कम 50% हो। तो एफिशिएंसी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। 50% यानी कि 0.5। सो एफिशिएंसी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। ओके, अब आपको कहा है जो एल्गोरिदम यूज हो रही है वो है स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट में एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1/1+2a। दैट मींस 1/1+2a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे आया। 1 है सेंडर विंडो साइज, यानी कि एक्चुअली सेंडर कितने फ्रेम्स भेज रहा है वो है 1। बट बेस्ट केस में सेंडर भेज सकता था 1+2a फ्रेम्स, तो एफिशिएंसी होगी जो हम एक्चुअली भेज रहे हैं डिवाइडेड बाय जो बेस्ट केस में भेजा जा सकता था। अब देखो a की वैल्यू है प्रोपोगेशन डिले डिवाइडेड बाय द ट्रांसमिशन डिले। प्रोपोगेशन डिले क्वेश्चन में गिवन है 20 मिली सेकेंड्स, ट्रांसमिशन डिले नहीं गिवन। तो पहले ट्रांसमिशन डिले ढूंढते हैं। टी टी और ट्रांसमिशन डिले विल बी लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। लेंथ ऑफ द पैकेट या लेंथ ऑफ फ्रेम हमें डिटरमाइन करना है, वो क्वेश्चन में नहीं गिवन। मान लो ये है एक्स, तो एक्स अपॉन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ गिवन है 64 kbps। ओके, अब देखो 1/1+2a डिटरमाइन करो, ये आएगा 1/1+2 इंटू 20 मिली सेकेंड्स इंटू, अब ये a की वैल्यू है टीपी डिवाइडेड बाय टीटी, यानी कि हमने मल्टीप्लाई करना है 1/TT से। तो टीटी की वैल्यू ये है, 1/TT होगा 64 kbps अपॉन एक्स। ओके, अब देखो ये एम और के कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप 20 मिलीसेकंड्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करो, 20 मिलीसेकंड्स विल बी इक्वल टू 20 इंटू 10^-3 सेकंड्स। ओके, और के की वैल्यू होती है 10^+3। 10^3 मल्टीप्लाइड बाय 10^-3 ये कैंसिल हो सकते हैं। ओके, अब इसका यूनिट है सेकंड्स और इसका यूनिट है पर सेकंड्स, यानी कि सेकंड्स और पर सेकंड भी कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो यहां से पर सेकंड भी कैंसिल हो गया, के भी कैंसिल हो चुका है, और आपके पास बचा बिट्स, यानी कि पूरे का यूनिट है बिट्स, बट आंसर हमें चाहिए बाइट्स में। ओके, तो इसे बाइट्स में कन्वर्ट कर लो। बिट्स को अगर बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। ओके, अब ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 0.5, तो यहां से आप डायरेक्टली एक्स निकाल सकते हो जो आएगा बाइट्स में। ओके, देखो कुछ लोगों को यह डाउट भी रहता है कि के की वैल्यू हमने 10^3 क्यों ली, 2^10 क्यों नहीं ली। बैंडविड्थ में हमेशा के की वैल्यू 10^3 ही होती है। ओके, यहां पे 64K बैंडविड्थ थी, 64K बिट्स पर सेकंड, तो इसे सॉल्व करो, 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5 इंटू, यह कितना होगा, 20 × 2 आएगा 40, 40 × 8 आएगा 8 × 4 यानी कि 32, तो 320 डिवाइडेड बाय एक्स। ओके, ये 0.5 और 0.5 कैंसिल हो सकते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक्चुअली डायरेक्टली कैंसिल नहीं होंगे, ये 0.5 इस साइड आएगा तो हमें मिलेगा 1 - 0.5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू। ओके, अब 1 - 0.5 0.5 ही रहेगा, तो 0.5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू,
अब x को इस साइड ले जाओ, 0.5 को इस साइड ले आओ, तो ये 0.5 और 0.5 कैंसिल हो जाएंगे, x will be greater than or equal to 320 रह जाएगा, और यूनिट है बाइट्स, क्योंकि यहां पे भी बाइट्स था, तो यहां पे भी बाइट्स होगा और यहां पे भी बाइट्स होगा। x हमने माना था फ्रेम साइज है, फ्रेम साइज की कम से कम वैल्यू 320 होनी चाहिए, अगर एफिशिएंसी आप चाहते हो कम से कम 50% हो। यही क्वेश्चन में पूछा था, मिनिमम फ्रेम साइज इन बाइट्स टू अचीव लिंक यूटिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट 50%। ओके,